आपके द्वारा ये कहा गया कि तुम्हारा एडमिशन लखनऊ में होगा, और जब रिजल्ट निकला तो इनका जो है बाराबंकी में हुआ, और कट ऑफ लिस्ट चूँकि शाम हो चुका था, फीस जमा नहीं हुई, और कट ऑफ लिस्ट जैसे सुबह निकला और इनका लखनऊ में मिल गया भगवान। संकल्प मैं करता रहा और आज हमारे पिताजी बिना किसी माध्यम से बाजार हाट घूमना टहलना सब हो पा रहा है, और अभी उनको ये नहीं पता है कि मैं यहाँ जुड़ा भी हूँ। ये सब था, इसको देखो कितना सब लोग कष्ट में था, ये सब नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। ओसीडी था, सब कुछ गंदा गंदा दिखता था, हाइपर रहना, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी, माइग्रेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एसिडिटी होना, पेट में दर्द होना, अर्ध बेहोशी में रहना, रक्त जो है दूषित हो रहा था, लीवर शिथिल हो रहा था, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय, आइस वीक, ओवरी निष्क्रिय, हार्मोनल इम्बैलेंस, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, यूट्रस श्रिंक हो रहा था, रेक्टम में इन्फेक्शन, ओवरीज ऑटोइम्यून हो रही थी, नौजिया फीलिंग और मस्तिष्क में सूजन। जी गुरु जी। अब एकदम अच्छी, अब कोई कष्ट रोग नहीं, कुछ बचा अब? सर गुरु जी, सर में बहुत दर्द है कल से। पुरानी बात नहीं, वर्तमान की बात करो, अब कोई कष्ट बचा? नहीं गुरु जी। अब एकदम अच्छी हो, 100 में 100। जी हाँ या ना? जी गुरु जी। हाँ खुश रहो, थैंक, प्रसन्न रहो। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए हीरो। तुम्हारे सब रोग कष्ट थे जो दरबार ने नष्ट किए, देखो यही सब था। हाइपर रहना, बुद्धि बंधी हुई रहती थी, शरीर में कमजोरी, एसिडिटी, चेस्ट में पेन, बोन मैरो दूषित, आंतों में सूजन, जेनिटल स्वेलिंग, शरीर में गांठें बन रही थी, पेट में दर्द होना, स्वप्न दोष होते थे, लीवर में सड़न, ब्लड में इन्फेक्शन, आंखों में धुंधलापन, नींद ना आना, एंजाइटी होना, पेशाब करने में कष्ट, यूरेथ्रा में सूजन और जेनिटल स्वेलिंग। आप कुछ बचा लग रहा? नहीं अब कुछ नहीं, हमेशा के लिए अच्छे। लेपन करना है, ठीक है, महाहवन की स्लिप एक मिलेगी बेटा, तो तीन लोग रहना उसमें, ठीक है, वो माता जी रहेंगी। और ये पुत्र हैं आपके? ये आपके कौन है? नहीं नहीं जो खड़े माइक पे पुत्र हैं। गुरु जी मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ कहने के लिए आया हूँ, यदि आपकी अनुमति हो भगवान तो मैं कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ। बिल्कुल भगवान, आज यहाँ मैं पूरी रूप से स्वस्थ था, आज यहाँ आने का कारण मैं 2018 से भगवान आपके चरणों से जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल भगवान, मेरी बेटी यहाँ तक पहुँचाई थी और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी, लेकिन आज 2 साल से मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि जो मुझे आने के लिए विवश कर दिया भगवान। वैसे तो मैं हर दूसरे तीसरे महीने में यहाँ दर्शन के लिए आया करता हूँ भगवान, ये इतने बड़े नशेड़ी हो गए हैं कि इनको नशा और संसार का कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जो ये न करते हों। 2 बार मैं पुलिस थाने में भगवान, आपको मेरे विषय में मैं पहले ही बता चुका हूँ भगवान, मैं माननीय मुख्यमंत्री का PSO हूँ भगवान, पता है भगवान, ये 2 बार मुझे थाने में भी पहुंचा चुके हैं, और वहाँ मैं विनती आपके आपकी कृपा से भगवान ये वहाँ से आए हैं, और इतना तंग हो गया भगवान कि मुझे, मैं अब कुछ कह नहीं सकता हूँ भगवान। मेरी अब ये आज से बदल चुके हैं, है ना, इनसे कोई बचा नहीं नशा, ठीक है ना, क्योंकि सोसाइटी इनकी जो है थोड़ा अच्छी नहीं थी। इनको बाइक दो जरा, अपने दोस्तों को याद करो, एक एक करके अपने दोस्तों को याद करो जिनके साथ नशा पानी सब करते थे, देखते जाओ सभी से। अच्छा विश्व भयानक उच्छाटन विकर्षण विदेशन विदेशन पैदा किया, ओम नशा करने कराने की सर्विस में किया, सर्विस सर्विस सब बाहर निकालने का शिव सब नष्ट करके सेवकाओं के लिए, इनके बच्चे हुए सरों से स्मृति इनकी इच्छा विचार से प्राण करके सब सेवकाओं के लिए, और वो शरीर
जो इसको बेहोशी में डाल करके नशा कराता था वो भी बाहर निकाल लिया। शिव से काउंट किया, शुद्ध उच्चाटन, जितने निकालेंगे सब उच्चाटन, कोई भी नशा कराने की कोशिश करे उससे भी उच्चाटन सदा सदा के लिए, विकर्षण विदर्शन पैदा किया बैलेंस। इसके हत्या आत्महत्या के विचार की स्मृतियाँ नष्ट की जाएं, वे विचार की जितनी स्मृतियाँ थी, लड़कियों को देख करके गंदे गंदे विचार आते थे, अपनी बहन को देख करके भी विचार गंदे गंदे आते थे, क्राइम करने की सारी स्मृतियाँ, चोरी करने की, मारपीट करने की सभी स्मृतियाँ सब नष्ट की जाएं। शिव सब नष्ट करके से काम किया, शुद्ध विकर्षण सब विस्मरण, विश्व अपनी बहन माँ पिता भाई सभी के प्रति अत्यंत प्रेम आदर और सम्मान की स्मृतियाँ, अच्छे अच्छे भाव विचार सब भर दिए जाएँ, सक्रिय कर दिए जाएँ, सबसे आगे रखें, पीछे रहें तभी सक्रिय रहेंगे। सभी दोस्तों से उच्चाटन पूरी तरह से, विकर्षण विदर्शन पैदा किए, बाहर के लोगों से जुड़े हुए डीएनए गुर्जा पर तोड़ दिए जाएँ, बाहरी लोगों से संबंध सब नकारात्मक कर दिए जाएँ, बैलेंस शुद्धि। पांच बार बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोलो बंद नहीं कीजिए, देखो तुम्हारे मित्रों के अंदर कैसे कैसे दैत्य हैं, जो तुम्हारे मित्र कहलाते हो ना, ऐसे ऐसे दैत्य भरे हुए जो तुम्हें नष्ट कर रहे थे। अब अपने दोस्तों के बारे में सोचो, देखो क्या विचार आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा अभी, अभी कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा कुछ। दोस्तों से मिलने की बात करने की इच्छा हो रही है, हम ये पूछ रहे हैं। अभी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। नशा करने कोई इच्छा हो रही है? नहीं। ईमानदारी से बताओ। अभी कुछ नहीं फील हो रहा किसी प्रकार का, किसी प्रकार का नहीं। बहन को देखो, मम्मी को देखो, पापा को देखो, कैसे विचार अंदर आ रहे हैं देखो, नकारात्मक आ रहे हैं कि अच्छे विचार आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? अच्छे ही आ रहे हैं अभी। हैं अभी अच्छे आ रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे। किसी को मारने आने का ऐसा कोई विचार तो नहीं आ रहा अंदर? नहीं। ठीक है, आंखें बंद कर एक बार, माँ से जुड़ा हुआ गंदगी आती, पथ बदल दिया जाए। ठीक, पांच बार ओम नमः शिवाय के आँख खोल लो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुश रहो, प्रसन्न रहो। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं गुरुजी। ठीक हो? तुम्हारे जितने सब कष्ट थे ना सब चले गए, अब कुछ लग रहा कुछ बचा? बहुत लोग कष्ट, बहुत सब तक सब गंदगी चली गई। बहुत अच्छा बालक, बस रोग कष्ट है, बाकी मानसिक रूप से ठीक। गॉल ब्लैडर निष्क्रिय, घुटनों में दर्द होना, कामुक स्पंदन, पेट में दर्द होना, पेशाब करने में जोर लगाना पड़ता था, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पैर कमजोर होने लगे थे, हड्डियां कमजोर होने लगी थी, लिगामेंट डैमेज, पैर की हड्डियों में दर्द होना, ब्रेन में ट्यूमर, कंधों में दर्द, सिर में चुभन, यूरेथ्रा में सूजन, लंग्स में सूजन, सिर में चुभन, लीवर डैमेज और जेनिटल स्वेलिंग। ठीक है? हाँ गुरुजी। यही सब कष्ट थे? हाँ, तो ये सब नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा हमेशा के लिए। ठीक है, खुश हो, खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। भगवान महाहवन के लिए क्या आदेश है? हाँ बेटा, आप तीनों लोग रहेंगे, सुपुत्र जी पीछे खड़े हैं वो, ठीक, और आप दोनों लोग पति पत्नी तीन लोग रहेंगे इसमें। ठीक है जी। भगवान एक अनुभव बताना चाह रहा हूँ। हाँ, अनुमति हो तो प्रभु। हाँ बेटा बिल्कुल। भगवान ये 2019 में जब नौ हवन करने के बाद सारी प्रक्रिया कर रहे थे, तो कुछ प्रक्रिया हमारे पिताजी से संबंधित अधूरी रह गई थी, जिसे हाँ। करने के लिए ये दरबार में रुके हुए थे,
और मुझे छुट्टी न मिलने के कारण मैं वापस चला गया था। हाँ। और ये प्रक्रिया के करने के बाद प्रभु जब आपसे इनका मुलाकात हुआ तो ये अपने लक्ष्य के विषय में आपसे बताए। उस समय ये पॉलिटेक्निक की परीक्षा दे रहे थे, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं था, कोरोना काल चल रहा था। भगवान प्रभु आपके द्वारा ये कहा गया कि तुम्हारा एडमिशन लखनऊ में होगा, और जब रिजल्ट निकला तो इनका जो है बाराबंकी में हुआ। और कट ऑफ लिस्ट चूँकि शाम हो चुका था, फीस जमा नहीं हुई, और कट ऑफ लिस्ट जैसे सुबह निकला और इनका लखनऊ में मिल गया भगवान। बाबा करते हैं, सब माँ करती है। भगवान एक और, मेरे पिताजी कभी यहाँ नहीं आए हैं। हाँ। दो साल से चल नहीं पा रहे थे। हाँ। और उनको पूरे शरीर में गठिया टाइप और जो है शाटिका हो चुका था। बहुत दवा कराए लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। मैं उनको कुछ भी नहीं बताया भगवान, और मैं दरबार से जुड़ने के बाद उनकी जो है संकल्प मैं करता रहा। और आज हमारे पिताजी बिना किसी माध्यम से बाजार हाट घूमना टहलना सब हो पा रहा है, और अभी उनको ये नहीं पता है कि मैं यहाँ जुड़ा भी हूँ। यही तो अद्भुत है। संकल्प आप करते हो, जिसका लेके करते हो वो अच्छा होता है। हैं, उनकी हड्डियों में बहुत खतरनाक, मतलब ऐसे कहा जाए कैंसरस हड्डियाँ, खून में कैंसरस था सब। पिताजी का गुदा द्वार में उनके कष्ट था, पिताजी के। अब बहुत बेचैन रहते हैं यहाँ आने के लिए। कभी घुमा ले जाना। अब ठंडी बाद उनको मैं ले आऊँगा भगवान। ठीक है बेटा। भगवान एक प्रार्थना और मैं करना चाह रहा हूँ। हाँ। भगवान मेरी लड़की जो है पहले हाँ। बहुत सही थी, लेकिन इधर साल दो साल से ये जो है कोई से बिल्कुल सही है। मैं कहना चाह रहा था प्रभु, हाँ। अगर अनुमति हो। हाँ, कहो। भगवान इधर दो साल से इनकी ये स्थिति हो गई है कि दो साल से ये बिस्तर पे भोजन अगर ना पहुँचे तो माँ और हमें गाली देना, और कोई घर का कोई एक तिनका तक नहीं करती थी। पढ़ाई पहले करती थी, लेकिन भगवान इस समय दो साल से कोई पढ़ाई नहीं, और परीक्षा देने से इनका घबराहट इतनी होती है, परीक्षा के नाम से ये मतलब दूर भागती हैं, कोई तैयारी नहीं। टेस्ट कर लेते हैं। दादी के लिए भी भगवान जो तुम्हारा मित्र है एक, उसको आग बंद करके देखो, दिखाया जाए। विश्व तोड़ दिया जुड़े नाभि से, काट के अलग किए गए। नफरत, घृणा, अच्छाटन, विकर्षण, विदेशन सब भर दिए गए, इसलिए दूर किया गया इसके दुष्ट। बैलेंस अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति आदर और सम्मान किस प्रति है भर दिया, सक्रिय कर दिया, सब गंदगी नष्ट की जाए बाहर, बाहर के लोगों से उच्चाटन। कभी सोच विचार में भी आया तो गहरा उच्चाटन, विकर्षण, नफरत, घृणा पैदा कर, उधर ही भर दिया, तो तरफा किया जाए उच्चाटन। ओम शिव। घर से भागने वाली जिस प्रतियां थी वो सब नष्ट कर दी, शिव, वो शरीर निकाल के नष्ट कर दिया जाए जो घर से बाहर भगाने का प्रयास करते हैं। सबसे अपने माता पिता की सुनना है, अपने भाई की सुनना है, और अच्छे रहना सदा सदा। बैलेंस, शुद्धि, पांच बार बोलो नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। पढ़ाई लिखाई में रुचि बढ़ा, आँख खोलो बेटा, बंधन को छोड़ दो। अब देखो पढ़ने मनन कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
क्या लग रहा है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? पढ़ना है गुरु जी, खूब पढ़ना है जी, जी। सबसे बड़ा अपना परिवार होता है, ये हमेशा ध्यान रखो, ठीक है जी गुरु। अपने परिवार से बढ़ के बेटा संसार में कोई परिवार नहीं, कोई नहीं आएगा, सब बहुत बाद में आएंगे, अगर आएंगे भी, अगर आएगा तो अपने परिवार आएगा, है ना जी। इसलिए सर्वोपरि है। अब अच्छी अच्छी फीलिंग है, अब कोई ख़राब फीलिंग तो नहीं आ रही? नहीं गुरु जी। मम्मी पापा को कुछ ख़राब तो नहीं आ रहा मन में? नहीं गुरु जी। ठीक है जी गुरु जी, खूब खुश प्रसन्न। अभी हमारा जो है कुछ कह रही हैं गुरुदेव, अभी हमको घबराहट हो रही है और घबराहट इसलिए हो रही है, हम बता रहे कपन हो रहा है, हम बता घबराहट इसलिए हो रही कि पीछे का जी, क्योंकि पीछे देखने की कोशिश कर रही हो, पीछे का सोच रही हो, इसलिए घबराहट हो रही है, सोच रही पीछे का, कर रही पीछे का, ये होता था हो रहा कि नहीं हो रहा, वो होता था हो रहा कि नहीं हो रहा, ये कर रही हो, ठीक है। और लेपन भी करना, दिमाग से स्वेलिंग जाए, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, छोड़ दो इसको, आँख बंद छोड़ दो, प्राण शुद्धि अब छोड़ दो, जो सूर्य निकाल लिया, मस्तिष्क की बाहर निकाल लिया, जलकर के नाम है शिव, सेवकाओं के लिए बैलेंस। बैलेंस छोड़ दिया जाए, अब आँख खोल लो, आँख खोल लो अब, हाँ अब चल के आओ, चलो फिरो, मूवमेंट करो, अब चल के आओ। दरबार बहुत बुरी पिटाई करता है जब कोई भूत काल में पीछे जाता है। गुरुदेव ठीक लग रहा है कि सिर पे सर भारी लग रहा है? अच्छा अभी चला जाए, प्रहार शुद्धि, पांच बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल। और जो दिया जलाती हूँ ना किसी के नाम से, दिया ये जलाती थी किसी के नाम से, दीपक जलाती थी, क्या जलाती थी? गुरुदेव दीपक जलवाते थे हम, एक तरह एक सुबह के समय मैं पूजा करता हूँ गुरुदेव का आपका और दरबार का, और एक समय मैं इनसे ज़बरदस्ती पूजा करवाता था। तो ये गलत को मान करके उसको दिया जलाती थी भगवान, ये दरबार के लिए नहीं करती थी। 15 दिन तक बिना तेल डाले और दीपक जलाती थी, कहती थी हमारा जलाया हुआ दीपक जलता क्यों नहीं है। हमने कहा कि तुम मेरे सामने दीपक जलाओ, तो मैंने देखा तेल ही नहीं डाला गया है। ये गलत तरफ दिमाग लगा के जलाने की कोशिश करती थी। भगवान इनके पिताजी, इनके पिताजी मुल्लों का जो है बहुत मतलब वो उन वो मोबाइल में उन्हीं को सुनते हैं, वो भी आने वाले हैं आपके पास भगवान। ये आएंगे सभी लोग आएंगे, उनका पूरा परिवार मुल्लों से ही भरा पड़ा हुआ है। और जाना है सब गंदगी में, झाड़ फूक वालों के यहाँ, टोना टुटका वालों के यहाँ जाना अच्छा नहीं। ये लिख के रखा था, अभी दिखाते हैं, वहाँ पढ़ाया नहीं हमने, केवल पीर पूजा होती थी पीर। अभी भी भगवान इनके पिताजी पीर ही कहते हैं? हाँ कहते हैं ना, ये तो लिखा रखा है, ये देखो ये लिखा रखा था, फाड़ दिया था लेकिन लिखा रखा। ये पीर के नाम से दिया जलाती थी, ये उधर पूछो बताएंगी। गुरुदेव हमको तो नहीं मतलब नाम तो नहीं लेते थे कभी, नाम तो बस जैसे ये बचपन ही जलाती थी, अपने घर परिवार रहती तब भी जलाती थी, उसी का दिया जलाती थी और वही इनको खा, इसीलिए इनका ये जो है एरिया ये वाला ये हमेशा इनका भारी रहता था, यही इनको नोचता था कसके जम। गुरुदेव कुछ दिन पहले मेरा ये चीज नाभि कर रहा था, नाभि से नीचे श्रीमान जी एक छाती का दो, ये इनका दो जगह इनका अखाड़ा बनाया हुआ था, कभी भी झाड़ फूक टोना टोटका जादू टोना में नहीं जाना, ध्यान रखो बचो, ठीक है। खुश भगवान आपको कोट कोट नमन, कोट कोट बंधन, दरबार को कोट कोट प्रणाम नमन, बंधन है भगवान। प्रसन्न रहो बेटा, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, बहुत दिन बाद आज तुम दिखे है।